देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल लॉकडाउन 2 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन 2 की समय सीमा समाप्त हो रही थी। सरकार ने 14 दिन तक रेड जोन में कोई भी राहत नहीं देने का फैसला किया है, तो साथ ही ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत देने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई थी। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई अधिकारी शामिल थे। इसके बाद यह फैसला लिया गया और गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन 3 का ऐलान किया जा चुका है। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते के लिए देश में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? लॉकडाउन 3 का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। देखिए आशीष, बताना चाहूंगा, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। ये तमाम बातें और तमाम जो लॉकडाउन लागू हुआ है इसकी कवायद पहले से चल रही थी जी। और जिस तरह से कई राज्य सरकारों ने ये रिपोर्ट भेजी थी, कई राज्य सरकारें अपने यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा चुकी थी और लगातार प्रधानमंत्री से भी बात कर रही थी कि किसी तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जाए जी। तो आप समझ सकते हैं देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लॉकडाउन की मांग लगातार बढ़ रही थी और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ये जोखिम नहीं उठा सकती थी कि लॉकडाउन को हटाया जाए, क्योंकि यदि लॉकडाउन हटाया जाता तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल सकती थी, लोगों पर नियंत्रण नहीं हो सकता था। तो कई तरह की जो रिपोर्टें केंद्र सरकार के पास आई, मंत्रालय के पास आई, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय किया और लगातार जिस तरह बैठक चली, बैठक में जो सुझाव आए थे राज्य सरकारों के सुझाव और जो विधायक जो मंत्रियों के सुझाव आए जी, विभाग के अधिकारियों के सुझाव आए, उन तमाम सुझावों को देखते हुए, राज्य सरकारों के सुझाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, यानी लोगों को अभी तक कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए 17 मई तक अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। हालांकि इस बीच जो राहत की खबर ये है कि जो प्रवासी श्रमिक है, स्टूडेंट्स है या तीर्थ यात्री है या पर्यटक है, जो दूसरे प्रदेशों में अटके पड़े हैं कहीं भी किसी भी प्रदेश में और किसी भी प्रदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए राहत की खबर यह है पूरे देश भर के लोगों के लिए कि वो अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है और इन ट्रेनों के चलने से जो प्रवासी श्रमिक है वो अपने अपने घर जा सकेंगे, गाँव जा सकेंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोग पैदल ही चल पड़े और जहां भी फिर जो प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन, उन प्रशासन ने उन श्रमिकों को वहां का वहीं पर रोक दिया। अब वो क्वारंटाइन भी हो चुके और वहां पर वो लोग अब घर जाने की जिद पड़े हुए हैं। ऐसे में लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे कि प्रवासियों को लाने की अनुमति दी जाए और इस अनुमति मिली और मिलने के साथ ही विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति मिल गई जी। तो ये प्रवासियों का वापसी तो हो सकेगा, लेकिन लॉकडाउन ऐसे कैसे रहेगा? इसके साथ ही ग्रीन जोन में बसें चलाने की अनुमति दी है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी। लॉकडाउन को बढ़ाया गया है 17 मई तक। अब देश में लॉकडाउन जारी रहेगा।